गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है मार्च 24, 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और आज फिर से हम लोग कुछ टॉपिक्स करेंगे। कौन कौन से टॉपिक हैं ब्रीफली देखेंगे एक बार। पेटेंट लॉ क्या होता है, कैसे काम करता है और एक बहुत ही ज़बरदस्त एक डिसीजन लिया गया है इंडियन पेटेंट लॉ के बारे में, उसके बारे में बताऊँगा ये कैसे काम करता है। एवरग्रीनिंग क्या होता है, कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या होता है, वो सब आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। डिफेमेशन केस में राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई गई है गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा। तो ओवरऑल जानेंगे डिफेमेशन केस के बारे में। फेडरलिज्म के बारे में थोड़ा सा चर्चा यहाँ पे ज़रूर करेंगे क्योंकि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के कुछ सीएम्स ने आपस में मीटिंग किया है और उन्होंने कहा है कि इंडिया के अंदर फेडरलिज्म को प्रोटेक्ट किया जाना ज़रूरी है। तो क्या होता है फेडरलिज्म, उसके बारे में बात करेंगे। हमारा जो कैंपा फंड है और हमारा जो आईपीसीसी रिपोर्ट है, दोनों को कंबाइन करके हम लोग यहाँ पे ये जानेंगे कि भाई जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है उसको प्रोटेक्ट किया जाना क्यों ज़रूरी है और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो उसको किस तरह से अंडरमाइन करती हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। इंडिया में कुछ खास कंटेंट मुझे इसमें लगा नहीं, शुरुआत में लगा था कुछ बनेगी बात, लेकिन जानेंगे कि सेमीकंडक्टर क्यों इंडस्ट्री क्यों ज़रूरी है इंडिया के लिए, फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या प्रेजेंट में हम लोग कुछ बना रहे हैं इस केस में और जियोपॉलिटिक्स के भी इसके पीछे क्या इन्वॉल्व है, थोड़ा वो जानेंगे। थोड़ा सा आपको मैं एडिटोरियल से हट के बताऊंगा, ये मुझे कुछ खास लगा नहीं था। फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा लगा मुझे एडिटोरियल, थोड़ा सा इमोशनल है लेकिन यस अच्छा है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि भाई हम लोग अपने फ्रीडम फाइटर्स को जज करते हैं, है ना यार, वो भी इंसान थे तो उसको एज अ ह्यूमन बींग जज किया जाना चाहिए रादर देन समथिंग जो किसी लाइक बहुत दूसरे ग्रह से आए हों। तो उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा लगा क्योंकि कल शहीदी दिवस था तो इसलिए जो है इसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। चलिए पहला आर्टिकल पढ़ते हैं। इंडिया रिजेक्ट्स जे एंड जेज अटेम्प्ट टू एक्सटेंड पेटेंट ऑन द टीबी ड्रग। जे एंड जे का मतलब है जॉनसन एंड जॉनसन, ये आपको बहुत अच्छे से पता है जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी। अगर आपके घर में कोई बेबी है, बच्चा है, तो जॉनसन एंड जॉनसन का जो तेल होता है, ऑयल की मसाज की जाती है बच्चे की, और जो पाउडर होता है वो लगाया जाता है। हालांकि जॉनसन एंड जॉनसन का जो पाउडर और तेल है अभी वो बहुत सारे कंट्रीज़ में बैन हो चुका है क्योंकि इसके अंदर कुछ कैंसर प्रोड्यूस किए जाने, मतलब कैंसर जो है कार्सिनोजेनिक जो है इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स पाए गए थे। तो इसकी एक ड्रग है, मतलब एक दवाई है जिसका नाम है बेडाक्विलिन। ये नाम आपने याद रखना है प्रीलिम्स के लिए। ये दवाई उन पेशेंट को दी जाती है जो कि टीबी पेशेंट होते हैं जिन्हें ट्यूबरकुलोसिस होता है। देखिए ट्यूबरकुलोसिस कई तरह का होता है। एक ट्यूबरकुलोसिस होता है जो नॉर्मल दवाइयों से ठीक हो जाता है। एक ट्यूबरकुलोसिस होता है भैया जो कि एंटी रेजिस्टेंट ड्रग वो डिवेलप कर लेता है जो कि नॉर्मल दवाइयों से नहीं होता ठीक, उसके लिए बहुत एडवांस लेवल की दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। तो ये वही है एक जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के अगेंस्ट में दवाई दी जाती थी, इसका नाम है बेडाक्विलिन। ये दवाई इतनी महंगी है, 6 महीने की दवाई आपको $400 लग जाते हैं। अब ये दवाई बनाती है जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी और इसके ऊपर भाई इसकी मोनोपोली थी, मतलब और कोई कंपनी ये दवाई नहीं बना सकती। इस दवाई को इसने पेटेंट करवाया था क्योंकि इसकी डिस्कवरी इसी ने किया था। तो पेटेंट करवाने के बाद वो जब पेटेंट खत्म हो गया 2007 में, उसके बावजूद भी इस कंपनी का पेटेंट कंटिन्यू रहा। इसे कहा जाता है एवरग्रीनिंग, ठीक है। जैसे आपको मैं एक चीज़ बताता चलूं, मान लो कल को मैंने एक दवाई बनाई और मैंने कई साल की रिसर्च किया, लाखों करोड़ रुपये पैसा खर्चा करके मैंने एक दवाई बनाई, और मैंने एक दवाई बनाई फॉर हेयर लॉस कि जिनके बाल झड़ जाते हैं टूट जाते हैं, मैंने एक दवाई बनाई एक्स वाई जेड। इस दवाई का मैंने पेटेंट ले लिया और 20 साल के लिए मुझे इस दवाई को प्रोड्यूस करने के अधिकार मिल गए, मतलब मेरे अलावा कोई और इस दवाई को नहीं बना पाएगा। अब हो गए भैया 20 साल ख़त्म। अब 20 साल के बाद तो पेटेंट ओपन हो गया सबके लिए, कोई भी दवाई बना सकता है, किसी के पास भी फॉर्मूला जा सकता है। लेकिन मैंने क्या किया, मैं बहुत दिमाग मैंने लगाया, मैंने ये कहा कि भाई साहब ये जो दवाई है एक्स वाई जेड, इसके अंदर एक ऐसा सॉल्ट है जो कि बीपी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। तो इसी दवाई का नया सॉल्ट मैंने ढूंढा और उस सॉल्ट की नई प्रॉपर्टी मैंने फाइंड आउट की और मैंने उसका दोबारा से 20 साल के लिए फिर से पेटेंट करवा लिया।
चलिए कोई बात नहीं, करवा लिया तो करवा लिया। अब 20 साल के बाद वो पेटेंट फिर से ख़त्म हुआ। मैंने क्या किया, उसके अंदर एक और सॉल्ट मैंने खोज लिया और मैंने कहा कि देखो चलो बीपी तो ठीक था, इस दवाई का ये फलाना ढिमकाना जो सॉल्ट है ये हाइट भी इंक्रीज करता है। बेसिकली बात ये है कि जब वो पेटेंट ख़त्म होते हैं मैं उसी सॉल्ट की कोई नया प्रॉपर्टी खोज लेता हूँ, डिस्कवर कर लेता हूँ और वो मुझे पहले से पता होता है और मैं उसके पेटेंट को हर बार नया करवाता रहता हूँ। इसे कहा जाता है एवरग्रीनिंग। तो इट्स अ स्ट्रेटजी टू एक्सटेंड द लाइफ ऑफ द पेटेंट अबाउट टू एक्सपायर इन ऑर्डर टू रिटेन रिवेन्यूज फ्रॉम देम बाय मेकिंग मल्टीपल क्लेम्स इन इट्स एप्लीकेशन फॉर द पेटेंट एक्सटेंशंस। ये कंपनियाँ करती हैं, जुगाड़ लगाती हैं, लूप होल्स का यूज़ करती हैं और लगातार बहुत सालों तक अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए पेटेंट को कंटिन्यू रखती है। इसे कहा जाता है एवरग्रीनिंग। तो ये जो बेडाक्विलिन दवाई है इसकी एवरग्रीनिंग चल रही थी, लेकिन भाई कुछ साल पहले कुछ पेशेंट्स ने जो इसके अगेंस्ट में केस फाइल किया और फाइनली इंडिया का जो पेटेंट ऑफिस है उसने इस अमेरिकन कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के जो मोनोपोली थी उसको ख़त्म कर दिया और ये कहा कि भैया बहुत हो चुका सम्मान, अभी जो है हम लोग ये नहीं करेंगे और आपकी ड्रग जो है अभी मोनोपोली नहीं रह सकती। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अभी दूसरी कंपनीज जैसे लूपिन एक इंडियन कंपनी है, मैकलोड से एक इंडियन कंपनी है, ये कंपनी भी अभी इस दवाई को बना सकती हैं बहुत ही सस्ते में। पहले $400 की मिलती थी 6 महीने, अभी आपको $4 से $10 की मिलेगी 6 महीने की दवाई। सोच के देखिए कितना फ़र्क होता है। तो ये है पूरा मामला। इंडियन पेटेंट की हम लोग बात करें, ये पुराना कंटेंट है, ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ। इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 से इसकी शुरुआत होती है, जो WTO के अंदर भी इसका प्रोविज़न है जिसे कहा जाता है ट्रिप्स, जो 1995 के अंदर शुरुआत हुआ था और इंडिया इसका सिग्नेटरी है। मतलब इंडिया को जो इंटरनेशनल पेटेंट लॉज हैं उनको पालन करना पड़ता है, मानना पड़ता है, लेकिन विद सम टर्म्स एंड कंडीशंस। लेकिन सिर्फ WTO ही नहीं, दुनिया में और भी ऐसे बहुत सारे कन्वेंशंस हुई हैं, ट्रीटीज़ हुई हैं, जैसे बर्न कन्वेंशन, बुडापेस्ट ट्रीटी, पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन एंड द पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी PCT। ये अगर आप इनके बारे में दो दो लाइनें पढ़ लोगे गूगल करके तो आपने नोट्स वगैरह के अंदर ऐड कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर नहीं भी पढ़ना चाहते तो कम से कम ये नाम याद रखो और ये याद रखो कि किस चीज़ से रिलेटेड है। एग्जाम में प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज आर रिलेटेड विद द पेटेंट रिजीम, तो बर्न कन्वेंशन, बुडापेस्ट, पेरिस कन्वेंशन वगैरह सबसे मेंशन कर सकता है। ठीक है, देखिए अगर पेरिस कन्वेंशन वो मेंशन करेगा तो पूरा मेंशन करेगा, आधा मेंशन नहीं करेगा तो नहीं तो क्लाइमेट के साथ आप जो है कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट कर दोगे। बाद में क्या हुआ, इंडिया में जो सेक्शन 3 है ये है बहुत खतरनाक चीज़, सेक्शन 3 ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट। ये क्या करता है, एवरग्रीनिंग को तो ख़त्म करता ही करता है, इसके अंदर एक प्रोविज़न है जो बहुत ज़बरदस्त है, उसे कहा जाता है कंपल्सरी लाइसेंसिंग। कंपल्सरी लाइसेंसिंग का मतलब ये होता है, जैसे मान लो कोई दवाई है, एक मान लो नोवर्टिस एक दवाई है बड़ी इंपॉर्टेंट, नोवर्टिस दवाई एक अमेरिकन कंपनी के द्वारा बनाई, फ्रेंच कंपनी के द्वारा बनाई जाती है और वो कंपनी की उसके ऊपर मोनोपोली है। ठीक है, और वो मान लो कैंसर की दवाई है, कैंसर पेशेंट्स। अब ये दवाई आती है भैया 8 लाख रुपये पर मंथ, बट इंडिया में तो पेशेंट इतना नहीं दे सकते। तो हमारा जो सेक्शन 3 है वो ये कहता है अंडर कंपल्सरी लाइसेंसिंग के पब्लिक इंटरेस्ट में इस दवाई को बनाने का लाइसेंस किसी दूसरी कंपनी को भी दिया जा सकता है, देसी कंपनी को, डोमेस्टिक कंपनी को, विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओरिजिनल कंपनी विच इज नोवर्टिस। समझ रहे हो भैया, 8 लाख आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो देसी कंपनी को, अपनी लोकल कंपनी को हम लोग इसका इसका ठेका देंगे, कॉन्ट्रैक्ट देंगे, अलाउ करेंगे, आप उसका कंसेंट दो या ना दो। इसे कहा जाता है कंपल्सरी लाइसेंस, जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है और इंडिया को काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया जाता है भाई यूरोपियन एंड अमेरिकन कंपनीज फॉर दिस, लेकिन इंडिया मानता नहीं क्योंकि इंडिया में भैया 8 लाख रुपये कौन सपोर्ट करेगा यार कैंसर की दवाई को, नहीं कर सकते ना आप। 8,000 रुपये दे सकते हो, 80,000 भी दे सकते हो, लेकिन 8 लाख तो नहीं दे सकते।
इसका कंपलसरी लाइसेंसिंग का यूज़ करके हमारे जो इंडिजिनस कंपनीज हैं बहुत सारी दवाइयाँ बनाती हैं और यूरोपियन अफ्रीकन कंट्रीज में और इंडियन कंपनीज में उनको एक्सपोर्ट भी करती हैं। चलिए, राहुल गेट्स 2 ईयर जेल टर्म इन द डिफेमेशन केस। तो 2019 के इलेक्शन के दौरान राहुल गांधी जी ने जो है मोदी कम्युनिटी के बारे में कुछ बात कही थी। अब देखिए, मोदी जी को एक इंसान तो है नहीं खाली, मोदी एक कम्युनिटी है, एक सब कास्ट है, ये उनका सरनेम है मोदी। तो जैसे नीरव मोदी या कई सारे लोग जो पैसा वैसा लूट के भाग गए थे, तो उस दौरान राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि भाई ये सारे चोर क्यों होते हैं, मोदी नाम के इंसान चोर क्यों होते हैं। तो इसका मतलब ये जो उन्होंने अटैक किया एक तरह से, वो शायद जानते नहीं होंगे, इससे इतनी समझ नहीं होगी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोदी एक प्रॉपर कम्युनिटी है, तो आप किसी कम्युनिटी के खिलाफ ऐसा कैसे कह सकते हो कि सारे मोदी चोर होते हैं। कल को कोई बोल देगा कि सारे, अगर दो ठाकुर अगर कुछ करप्शन कर लेते हैं तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि सारे ठाकुर चोर होते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो उस चक्कर में जो है डिफेमेशन केस डाला गया था, मानहानि का दावा जिसको बोला जाता है, मतलब जब आप किसी की मिट्टी पलीत करते हो पब्लिक में विदाउट एनी एविडेंस, जब आप किसी की बेइज्जती करते हो और उसकी जो दीन मान होता है उसको नुकसान पहुंचाते हो, तो आपके खिलाफ डिफेमेशन केस किया जा सकता है और ये पूरी तरह से लीगल होता है। ठीक है, डिफेमेशन केस सिविल भी हो सकता है और क्रिमिनल भी हो सकता है, ठीक है, दोनों ही हो सकता है। सिविल केसेस में तो क्या होता है, कंपनसेशन दे दी जाती है। कई बार आपने सुना होगा कि 5 करोड़ रुपये का डिफेमेशन केस किया, 10 करोड़ रुपये का किया, तो सिविल वाले केसेस में क्या होता है, वो आपको कंपनसेशन दे दी जाती है कोर्ट के द्वारा। हालांकि मिलती नहीं है, वो सॉरी वोरी बोल देते हैं, बट स्टिल प्रोविज़न तो है। और जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वहाँ पे आपको सज़ा दी जाती है, इसमें जो मैक्सिमम सज़ा हो सकती है डिफेमेशन केस में वो 2 साल की हो सकती है। और हमारे IPC इंडियन पिनल कोड के तहत एक्चुअली में देर आर सम सेंक्शंस लाइक सेक्शन 499 एंड सेक्शन 500 जो कि डिफेमेशन केस की बात करता है। सेक्शन 500 वो पनिशमेंट की बात करता है विच इज़ 2 ईयर, और सेक्शन 499 एक्सेप्शंस की बात करता है। देखिए, अब एक जर्नलिस्ट है, ठीक है, वो किसी पॉलिटिकल लीडर से कोई सवाल पूछ रहा है और वो सवाल काफ़ी कड़वा सवाल है, तो उस केस में क्या पॉलिटिकल लीडर ये बोलेगा, अरे यार तुमने तो जो है वो मेरी रिस्पेक्ट को नुकसान पहुंचाया है, मैं तो तुम्हारे ऊपर क्रिमिनल केस करूंगा, मतलब मैं तो तुम्हारे ऊपर डिफेमेशन का केस करूंगा, ऐसा कोई जर्नलिस्ट के खिलाफ बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता, क्योंकि वो जर्नलिस्ट का काम है, सच्चाई निकालना जर्नलिस्ट का काम है। अगर ऐसे तो कोई भी बुरा मान सकता है यार, तो कोई किसी से सवाल ही नहीं पूछ सकता। अगर मैं अब ये DNA ले रहा हूँ, क्लास कर रहा हूँ, तो हो सकता है मेरी भी किसी बात से किसी को बुरा लगे और वो बोलेगा मैं तो आपके खिलाफ डिफेमेशन केस करूँगा, तो दुनिया में तो जीवन को कैसे जिएगा कोई, हर कोई कोर्ट में जाएगा। उस चक्कर में सेक्शन 499 में एक्सेप्शंस दिया गया है। उनका यह कहना है कि इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रूथ, मतलब सच्चाई को सामने लाने के लिए, अगर किसी पब्लिक गुड के लिए, सामाजिक सेवा के लिए, अगर थोड़ा सा आपको आपका जो कंडक्ट है अगर वो थोड़ा सा सेंटिमेंटल भी होता है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि जर्नलिस्ट का तो काम है कड़वे सवाल पूछना और सच्चाई निकालना, इन्वेस्टिगेशन का तो काम होता है। अब कल को कोई क्रिमिनल है, उसने मर्डर किया, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अब वो बोलेगा बाद में आके, अरे यार मेरे से तो ना मेरी तो बेइज्जती हो गई और मैं तो पुलिस के खिलाफ डिफेमेशन केस करूंगा, तो भाई इतना नहीं होता है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो ये चीज़ें होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के में जो है एक PIL डाला गया था कुछ साल पहले, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डिफेमेशन केस इज़ द रियलिटी एंड इट हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑल्सो। ठीक है, चलिए, नवीन ममता स्वीयर टू स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर, तो बात यह है कि भाई अब देखिए, मतलब ये तो पॉलिटिक्स में मैं ज़्यादा जाऊंगा नहीं, तो नवीन पटनायक जी और ममता बनर्जी, वो अभी जो इलेक्शन होंगे 2024 के अंदर, ठीक है, तो उसमें जो है दे आर एक्चुअली गोइंग टू कंटेस्ट इलेक्शन अगेंस्ट BJP। ठीक है, तो बात यह है कि उन्होंने कहा है कि फेडरलिज्म को प्रोटेक्ट करना है इंडिया में। इंडिया में जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, विच इज़ आवर बेसिक स्ट्रक्चर ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, वो खतरे में है।
तो फेडरलिज्म क्या होता है, थोड़ा ये जानने की जरूरत है। पॉलिटिक्स में हम लोग नहीं जाएंगे, ऐसा क्यों सोचते हैं, इसे हमें कोई मतलब नहीं है। फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म का मतलब होता है कि पावर शेयर करनी है, ठीक है, नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, यानी कि जो गवर्नमेंट के जितने भी टीयर्स होते हैं उनके अंदर पावर शेयर करनी है। पहले तो पंचायती था नहीं, पहले तो सिर्फ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हुआ करता था, तो इनके बीच में पावर शेयर करनी है। पावर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा है वो, एंड पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इनके बीच में पावर शेयर करनी है। मतलब कुछ पावर ऐसी होती है जो सेंटर की इंडिपेंडेंट पावर होती है, कुछ पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स की इंडिपेंडेंट होती हैं, कुछ पावर दोनों के द्वारा शेयर की जाती हैं। जैसे हमारे पास एक यूनियन लिस्ट है, हमारे पास एक स्टेट लिस्ट है और हमारे पास एक कंकरेंट लिस्ट है। ये जो अरेंजमेंट होता है इसे कहते हैं फेडरलिज्म। आप इसमें पंचायत भी जोड़ सकते हो। तो हमारे यहाँ पे जो पावर है, जो गवर्नमेंट है, वो तीनों लेवल पे होती है। पंचायत लोकल लेवल पे होती है, स्टेट लेवल पे होती है और सेंट्रल लेवल पे होती है। तीनों के अंदर पावर शेयर करना है, उसे कहते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट पोलिटिकल यूनिट्स। कॉन्स्टिट्यूशन पोलिटिकल यूनिट का मतलब है स्टेट और द पंचायत, ठीक है। केसी वियर एक बहुत ही जाने पहचाने और बहुत बड़ा नाम रहा है इनका, एक पॉलिटिकल कमेंटेटर थे, और इन्होंने कहा है कि इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली पूरी तरह से फेडरल नहीं है, वो क्वासी फेडरल है। मतलब इसके अंदर कुछ क्वालिटी ऐसी हैं जो फेडरल की हैं, कुछ क्वालिटी ऐसी हैं जो यूनिटरी हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा, तो इंडिया का जो फेडरलिज्म है भैया वो फेडरल पूरी तरह से नहीं है। पूरी तरह से फेडरल का मतलब ये होता है कि सेंट्रल और स्टेट दोनों 50-50% पावर शेयर करती हैं। जो सेंटर की पावर होती हैं वो सेंटर के पास रहती हैं, स्टेट की पावर स्टेट के पास रहती हैं। दोनों इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। जैसे आप अमेरिका का एग्जांपल दे सकते हो, अमेरिका जो है कम्प्लीटली फेडरल स्टेट है, और अमेरिका में हर स्टेट का अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हर स्टेट का अपना सेंट्रल सेपरेट जो है पुलिस सिस्टम होता है, लॉ एंड ऑर्डर होता है, कानून होते हैं, फाइनेंशियल एंड ऑल दैट। हर स्टेट वहाँ पे एक तरह से इंडिपेंडेंट है अमेरिका के अंदर। लेकिन जैसे सेंट्रल जुडिशरी वो कॉमन है, आर्मी मिलिट्री डिफेंस वो कॉमन है, करेंसी वो भी कॉमन है, फॉरेन रिलेशंस वो भी लगभग कॉमन है, कुछ चीज़ें कॉमन हैं, बाकी सब चीज़ों में वो एक दूसरे के हिसाब से अपने आप से काम करते हैं, एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। पहले इंडिया में टू टीयर सिस्टम हुआ करता था, मैंने आपको बताया पहले, और बाद में हम लोगों ने जो है यहाँ पे पंचायती और म्यूनसिपैलिटी को भी यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये तो हो गई यहाँ पे बात। इंडिया में कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो दिखाते हैं कि भैया हमारा जो कंट्री है वो एक फेडरल फीचर है और फेडरल स्ट्रक्चर है? जैसे दोनों गवर्नमेंट हैं यूनियन पे, तो ये अपने आप में ही एक इंडिकेशन है कि भैया हम लोग फेडरल कंट्री हैं। इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ द स्टेट्स ऑल्सो, है ना। डिवीजन ऑफ पावर की गई है दोनों के बीच में, वी हैव यूनियन लिस्ट, वी हैव स्टेट लिस्ट, वी हैव कंकरेंट लिस्ट, ये भी यही शो करता है कि इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भैया कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कुछ भी नहीं है, तो वी हैव बेसिक स्ट्रक्चर फॉर फेडरलिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, और हमारे पास जो है इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी है, ये भी यही शो करता है कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। पार्शियल रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, येस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 100% रिजिड नहीं है, 100% जो है वो फ्लेक्सिबल भी नहीं है, तो बीच का है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, बाई कैमरलिज्म है, ये सारे फीचर शो करते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। कई सारे फीचर ऐसे हैं जो ये शो करते हैं कि इंडिया की यूनिटरी है। जैसे आप बात करें ऑल इंडिया सर्विसेज की बात आप कर सकते हो यहाँ पे, सिंगल सिटीजनशिप की बात आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। देयर आर मैनी अदर प्रोविजंस ऑल्सो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ा है, कुछ दो तीन बताएं मुझे यूनिटरी फीचर्स कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कितने बच्चों को पता है इस चीज़ का। और यहाँ से आज हमारे लिए दो MCQs भी आते हैं, फीचर ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म सिस्टम सर, UPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। और इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ स्विट्जरलैंड, USA, रशिया और कनाडा। तो दो इजी से क्वेश्चन हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। चलिए, वाई इज इंडियाज कैंपा एट द ओड विद द न्यू IPCC रिपोर्ट? कैंपा क्या है पहले तो आपको ये हल्का सा बता देता हूँ क्या है कैंपा। कैंपा जो है इसकी फुल फॉर्म होती है कैंपा की, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड द प्लानिंग अथॉरिटी। इसके नाम से ही आपको इसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड। मतलब ये है इसका कि जैसे मान लो टाटा वाले हैं,
टाटा जो है हरियाणा में एक प्लांट लगा रही है जिसके लिए उसको 1000 एकड़ फॉरेस्ट काट देना है, कट करना है, जहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगाएगा। अब 1000 एकड़ ऑफ फॉरेस्ट जब हरियाणा में कटेगा, इसको कंपनसेट करने के लिए जो फुल फॉर्म है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, तो टाटा वाले सेंट्रल गवर्नमेंट को अंडर कैंपा कुछ पैसा देंगे। उस पैसे का यूज़ करके देश में कहीं भी किसी और स्टेट में 1000 एकड़ फॉरेस्ट लगाया जा सकता है। मतलब हरियाणा में आप 1000 एकड़ कट करो और इतना ही 1000 एकड़ का जो जंगल है आप मध्य प्रदेश में लगा सकते हैं। ये मतलब है कैंपा का। मतलब कोई बात नहीं, आपने एक जगह काटा पीटा, आपने इकोसिस्टम की ऐसी तैसी कर दी, अब दूसरी जगह पे उसको कंपनसेट कर सकते हो। मतलब आपने थप्पड़ मारा और आप सॉरी बोल सकते हो। आपने मर्डर किया, आप आराम से कबूल करिए कि आपने मर्डर किया है और आप उसको पश्चाताप कीजिए। बेसिकली ये कंपनसरी फॉरेस्ट एक पश्चाताप है जो कि इन कंपनीज के द्वारा किया जाता है। ठीक है जी, समझ में आया ये चीज़ आपको। चलिए अब आती है बात IPCC रिपोर्ट की, जो पिछले हफ्ते ही आई है। इस रिपोर्ट का नाम है सिंथेसिस रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट ये कहती है कि भाई देखिए, दो अप्रोच हो सकते हैं इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने की। एक अप्रोच होती है कि जो बचा हुआ है उसको बचा के रखें, जो बचा हुआ है उसको बचा के रखें, उसको फर्दर डिस्ट्रॉय ना करें। दूसरी अप्रोच होती है कि जो डिस्ट्रॉय हो चुका है उसको रिवाइव करें। समझ रहे हो? दो अप्रोच हैं। आपके पास 1000 एकड़ फॉरेस्ट बचा हुआ है, आप इसको बचा के रखें, एक अप्रोच तो ये है। दूसरी अप्रोच ये है कि जो पिछले 50 सालों में 50 एकड़, 500 एकड़ जो फॉरेस्ट ख़त्म हो चुका है, आप उसको दोबारा से लगाएं, उसको रिवाइव करें, रिस्टोर करें। दो अप्रोच हैं। IPCC का ये कहना है कि एक्चुअली जो दूसरी अप्रोच है वो गलत अप्रोच है, पहली अप्रोच वो अच्छी रिपोर्ट अप्रोच है। मतलब वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम रादर देन रीस्टोर ओल्ड इकोसिस्टम विच इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड। जो पहले से ख़त्म हो चुका है वो तो हो चुका है, उसमें आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन जो बचा हुआ है ना भाई बेटा, इसको बचाओ। ये ज़्यादा बेटर अप्रोच है। ये अप्रोच कैंपा के बिल्कुल अगेंस्ट में जाती है। कैंपा अलाउ करता है जंगल को काट के कहीं और लगाना। IPCC कहता है कि नहीं 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 नहीं, जो है उसको मत काटो, जो क्योंकि आप जो नया लगाओगे ना यार, वो तो 25 30 50 साल 60 70 साल के बाद बेनिफिट देगा। लेकिन जो आप काट रहे हो, जो हजारों साल से बेनिफिट दे रहा है, आप उसको उससे कंपेयर नहीं कर सकते। तो एक्चुअली IPCC की रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल कैंपा के अगेंस्ट में जाती है। ठीक है जी, पंचामृत के बारे में आपको अच्छे से पता है, इंडिया का जो INDC है वो आपको अच्छे से पता है। हमारा INDC ये कहता है, हमारा जो पंचामृत है, हमारा जो क्लाइमेट टारगेट है, वो ये कहता है कि 2030 तक इंडिया जो है नए जंगल लगाएगा एज अ कार्बन सिंक। 2.5 से लेके 3 गीगा टन ऑफ CO2 को हम लोग रिमूव करेंगे फ्रॉम द एटमोसफेयर बाय प्लांटिंग न्यू प्लांट्स और बाय एफॉरेस्टेशन। ये कहता है हमारा टारगेट। और अभी जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर चेंजेस हुए हैं वो ये कहते हैं कि एक फॉरेस्टेड लैंड को आप कन्वर्ट कर सकते हो नॉन फॉरेस्टेड लैंड में, लेकिन कंपनसेशन देके। समझ रहे हो? जिसके खिलाफ जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है वो सुप्रीम कोर्ट में भी गया है। तो इंडिया की गवर्नमेंट ये अलाउ करती है कि किसी ट्राइबल एरिया में आप जंगल को कट करो, वहाँ पे फैक्ट्री लगाओ, कुछ भी करिए, रोड बनाइए, डैम बनाइए, लेकिन बदले में आप दूसरे स्टेट के अंदर जो है पौधे लगाइए, जंगल लगाइए बेसिकली। लेकिन ये अप्रोच भैया बहुत ही बेकार है, क्योंकि आप जिस नेचुरल इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, नए जहाँ पे आप पेड़ पौधे लगा रहे हो, वो उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। आप जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है वो बहुत डाइवर्स होता है, लेकिन जो नया आप लगा रहे हो फॉरेस्ट, वो सिंगल स्पीसीज प्लांटेशन है। आपने वहाँ पे एक ही जैसे पेड़ पौधे लगा दिए। अरे नेचुरल जो बायोडाइवर्सिटी है आप उसको प्रोटेक्ट थोड़ी ना कर सकते हो। आपने मध्य प्रदेश में जो नेचुरल साल फॉरेस्ट कट कर दिया है, आप उसको हरियाणा में लगाए हुए एक पॉपुलर फॉरेस्ट से कंपेयर थोड़ी कर सकते हो यार। ठीक है,
जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है वो बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करता है, वहाँ की लोकल लाइवलीहुड को करता है, हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कराता है, नया फॉरेस्ट वो सब नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये गलत अप्रोच है। हाउ डू इकोसिस्टम कंपेयर टू द रीन्यूएबल एनर्जी? अब IPCC ने ये भी कहा कि भाई आज के समय में खासकर ट्रॉपिकल कंट्रीज में इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने का जो बेस्ट तरीका है वो है सोलर पावर प्लांट्स। लेकिन सोलर पावर प्लांट की अपनी दिक्कतें हैं, जैसे राजस्थान में सोलर पावर प्लांट लगा दिए जिससे लैंड यूज़ कम हो गया। अरे भाई, सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए तो बहुत आपको जगह चाहिए ना, तो लैंड यूज़ खत्म हो गया। वैसे ही वेस्टर्न घाट के अंदर कुछ विंड पावर प्लांट्स लगाए गए थे, कुछ सोलर प्लांट्स लगाए गए थे, और ये देखा गया है वेस्टर्न घाट्स में कि जब से वो सोलर विंड प्लांट आपने लगाए हैं तब से वेस्टर्न घाट में लिजर्ड्स की संख्या बहुत बढ़ गई है, क्योंकि लिजर्ड्स को खाने वाले जो बर्ड्स थे भैया उनकी संख्या कम हो गई है, क्योंकि विंड लगाने से, आप प्लांट लगाने से बर्ड्स की डेथ हो जाती है या फिर बर्ड्स वहाँ पर आना अवॉइड करते हैं, तो लिजर्ड्स को जो खाते थे उनकी संख्या कम हो गई, लिजर्ड की संख्या अपने आप ही बढ़ गई। ठीक है, तो ये कुछ दिक्कतें हैं सोलर में और विंड में, बट IPCC का ये कहना है कि देखो भाई ये तो नेसेसरी एविल है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इंडियाज पुश फॉर द सेमी कंडक्टर्स, कोई खास मुझे दमदार ये लगा नहीं। जैसे कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में सेमी कंडक्टर को लेके भैया जंग छिड़ गई है, एक तरफ USA है और एक तरफ चाइना है और एक तरफ ताइवान है। ताइवान जो स्मॉल चिप्स होती हैं ताइवान की, उसमें पूरी तरह से मोनोपोली है, मोर देन 80-90% स्मॉल चिप को ताइवान प्रोड्यूस करता है, जो कि बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं, थोड़ा जापान, साउथ कोरिया, चाइना, अमेरिका। उसका जो सॉफ्टवेयर वगैरह आता है, उसकी जो डिज़ाइनिंग होती है जो ताइवान के अंदर है, वो पूरी तरह से अमेरिका में होती है। नेदरलैंड भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ताइवान के अंदर जो TMC कंपनी है उसके अंदर जो मशीनें हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो एक्चुअली नेदरलैंड से आते हैं, और इसका जो सॉफ्टवेयर है वो अमेरिका से आता है, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग वो ताइवान में होती है, और उसके बाद वो पूरी दुनिया में जो है जाता है। सेमीकंडक्टर जो चिप्स होती हैं बहुत क्रूशियल हैं ऑफ कोर्स, खासकर डिफेंस के लिए, और ये सारा एक्चुअली डिफेंस के लिए ही हो रहा है। जिसके पास जितनी एडवांस चिप होगी वो उतने ही एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट बना सकता है, जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती हैं, इनके अंदर बहुत ही एडवांस जो है चिप्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सारा खेल बेसिकली यहीं पे जा रहा है डिफेंस को लेके। अगर चाइना के हाथ में ये जो अगर ये टेक्नोलॉजी आ गई, देखा टेक्नोलॉजी तो उनके पास है, लेकिन अगर बहुत स्मॉल चिप बनाने की टेक्नोलॉजी आ गई तो वो डिफेंस सेक्टर में अमेरिका और नाटो से आगे जा सकता है। तो सारा खेल बेसिकली ये चल रहा है। तो जो सेमीकंडक्टर बनाने वाली जो फैक्ट्री होती हैं उन्हें कहा जाता है फैब, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स। और इंडिया तो एक उभरता हुआ सितारा है भैया, फ्यूचर में हमें भी टेक्नोलॉजी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी चाहिए, और ये जो सेमीकंडक्टर बनाने का मतलब, जो हम लोग क्या करते हैं सिलिकॉन को कन्वर्ट करते हैं सर्किट्स में, इंटीग्रेटेड सर्किट इनको बोला जाता है। आपने कभी देखा होगा कि मोबाइल फ़ोन में, रेडियो वगैरह में, टीवी में, रेफ्रिजरेटर, हर जगह सिलिकॉन चिप होती है, जिसके ऊपर बहुत सारे जो हैं छोटे 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 जो हैं सर्किट्स होते हैं, इसे जो है IC कहा जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, या सिलिकॉन से बने होते हैं, मतलब सिलिकॉन वे बेस प्रोवाइड करवाता है, उसके ऊपर कंडक्टर्स फिट किए जाते हैं। ठीक है, ये एक बहुत कैपिटल इंटेंसिव एक टेक्नोलॉजी होती है, और एक फैक्ट्री को लगाने में बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा आ जाता है। और यहाँ पे सिर्फ बात पैसे की भी नहीं है, खाली पैसे की बात होती तो इंडिया दे देता भाई, बहुत कुछ चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जाकर बिस्लेरी वगैरह होता है ना, इससे भी बहुत ज़्यादा, डस्ट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे सप्लाई होनी चाहिए, अगर एक सेकेंड का भी कट लग गया तो समझ लो काम ख़त्म। इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है बहुत ज़्यादा, हाई लेवल ऑफ प्रिसीजन चाहिए, कॉस्ट, कैपिटल, और जो वहाँ पे काम करते हैं लोग वो भी हाईली ट्रेंड होने चाहिए। तो आज के समय में एक सेमीकंडक्टर चिप प्रोड्यूस करना इज़ वन ऑफ द टफेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। तो ना तो हमारे पास उतना पैसा है, ना हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी है, ना हमारे पास उतने ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं, दिक्कतें तो हैं, लेकिन इंडिया कोशिश तो कर रहा है ना यार, कोशिश करना हमारा फ़र्ज है। USA भी अभी इस दौड़ में कूद गया, USA ने जो है एक चिप सेक्ट बनाया अपने देश के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई हम लोग $280 बिलियन की सब्सिडी देंगे अगर आप अमेरिका में आके सेमीकंडक्टर की चिप की फैक्ट्री लगाते हो। तो
और चाइना ने अमेरिका ने अपनी अमेरिकन जो कंपनीज हैं अमेरिका गवर्नमेंट ने उनको भी कह दिया है सीधा सीधा, अगर आप चाइना के साथ डील करते हो तो आपका लाइसेंस कैंसिल। ठीक है जी, तो क्या इंडिया में इस समय कोई फैब काम कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। हमारे जो मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने कहा है कि आने वाले कुछ हफ्ते में हम लोग कुछ फैब इंडिया में एक्सपेरिमेंट के तौर पे स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि 2025 2026 तक ये जो पूरी इंडस्ट्री है वो 300 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो बेसिकली इंडिया अगले 20 25 30 40 50 सालों के लिए तैयारी कर रहा है। कभी कभी ना कभी तो तैयारी करनी पड़ेगी ना यार, ऐसे हाथ पे हाथ धर के थोड़ी ना बैठे रहेंगे। तो कैन सेमी कंडक्टर एंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट बोथ बी मेड इन इंडिया? देखिए, इंडिया के पास अभी तो कैपेसिटी नहीं है कि हम लोग खुद का कुछ बना लेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि हम लोग कुछ विदेशी कंपनियों को इन्वाइट करें, FDI लेके आएँ, उनको जगह दें, एक्सपर्टीज दें, पैसा दें, सुविधा दें, वो जाके यहाँ पे कुछ ना कुछ करेंगी, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो कुछ कंपनीज हैं बेसिकली यहाँ पे, कुछ फाउंड्री कंपनीज हैं जैसे फोक्सकॉन वगैरह हो गई जो कि एप्पल की फैक्ट्री वगैरह चलाती है, और ये कुछ जो हाई टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जैसे सैमसंग एप्पल। ठीक है, हम इनको भी अलाउ कर सकते हैं इंडिया में सेमी कंडक्टर चिप्स वगैरह बनाने के लिए, अगर ये इंटरेस्टेड है तो। वो भी इंडिया सेमी कंडक्टर एम्बिशन भी लिमिटेड, लिमिटेशंस तो है ही हैं ऑफ कोर्स, पैसा है कि सब। और हमारे यहाँ पे जो जैसे लेबर लॉ हैं, हमारा जो जो पेपर वर्क जो है वो करना पड़ता है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स भी हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, दिक्कतें तो हैं। और इसलिए जो जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनीज है जैसे एप्पल टेस्ला सैमसंग, ठीक है, ये अपनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को इंडिया में लेके आएंगी, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अभी G20 हुआ तो इसके अंदर भी बहुत सारी बातचीत हम लोगों ने किया, रायसीना डायलॉग किया गया, यहाँ पे भी कुछ कंपनीज ने इंटरेस्ट दिखाया है। और जो कुछ लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं जैसे USA है, साउथ कोरिया है, जापान है, हमने उनको भी कहा है कि भाई आप इंडिया में आके कर सकते हो, क्योंकि सेमीकंडक्टर जो टेक्नोलॉजी है आने वाले समय में सुपर पावर कौन होगा उसमें सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। ठीक है, चलिए। नो स्लैंडर प्लीज, दे आर आवर फ्रीडम फाइटर्स फर्स्ट। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है भैया फ्रीडम फाइटर्स को गाली देने का, है ना? कोई गांधी जी को गाली दे रहा है, कोई जवाहरलाल नेहरू जी को दे रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो भगत सिंह जी को भी दे रहे हैं, हालांकि बहुत ही कम है बट दे तो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं भाई जो वीर सावरकर जी को गालियाँ दे रहे हैं, ये एक नया ट्रेंड चल गया है। तो इनका यह कहना है कि प्लीज़ ये बंद करें, वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं और आप वो भगवान नहीं हैं, ये भी छोड़े हैं, वो भगवान नहीं है कि जिसके अंदर कोई कोई कमी ना हो। भाई वो इंसान है और इंसान गलतियां करता है, तो उस समय उन्होंने जो एक्शन लिए वो उस समय के हिसाब से सही रहे होंगे। आप उनको 2023 में जज कर रहे हो अपने हिसाब से, अब 2045 में आपको जज करेंगे अगर तो आपको कैसा लगेगा? आने वाले 100 सालों में आपको जज करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना यार, बेशक आप मर चुके होंगे, स्टिल आप जज मत करें। ठीक है, 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 5000 साल पहले हमारे संत महात्माओं जो बोल के गए हैं, हो सकता है आज की वैल्यूज़ के हिसाब से वो सही ना हो, लेकिन उस समय तो सही था, तो आप उसको उस हिसाब से जज ना करें। दे आर फ्रीडम फाइटर्स फर्स्ट, दे आर ह्यूमंस फर्स्ट। तो ये इन्होंने यहाँ पे करने की कोशिश की। कल 23 तारीख थी, कल शहीदी दिवस था, कल के दिन गांधी जी ने चेन्नई की यात्रा की थी, उनको इनवाइट किया गया था कस्तूरी रंगा जी के द्वारा। और आपको ये पता है कि 2019 में क्या हुआ था? 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था, रोलेट एक्ट आया था। तो गांधी जी ने बेसिकली आज के दिन 24 तारीख को रोलेट एक्ट के अगेंस्ट में कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे ये सोचा था, और अगले महीने 6 अप्रैल 1999 को गांधी जी ने क्या किया था? रोलेट एक्ट के अगेंस्ट में मूवमेंट, सत्याग्रह मूवमेंट चलाई थी। और सत्याग्रह मूवमेंट को गांधी जी ने कहा है दैट वंडरफुल स्पेक्टेकल, सत्याग्रह मूवमेंट, क्योंकि गांधी जी की ऑल इंडिया लेवल पे ये सबसे पहला मास मूवमेंट था, सत्याग्रह मूवमेंट। ठीक है, लेकिन ये पहला नहीं था। यूजुअली हम लोग 1857 को कहते हैं कि वो इंडिया का पहला फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि 1857 से पहले भी
अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, इंडिया में बहुत प्रोटेस्ट हुए हैं। कुछ तो हम लोग जानते हैं, कुछ फार्मर प्रोटेस्ट, कुछ ट्राइबल फॉरेस्ट, वो हम लोग जानते हैं। कुछ प्रोटेस्ट ऐसे हैं जो कि ना तो हमारे टेक्स्ट बुक में हमें पढ़ाए जाते हैं और ना ही हम लोग पढ़ना पसंद करते हैं। जैसे अटिंगल रिवोल्ट, पोलीगर रिवेलियन, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आ चुका है, एंड विल्लोर म्यूटिनी। ये तीन म्यूटिनी बहुत पहले हो गई थी। एक दो तो मैंने यहाँ पे डाल भी दिया है, पोलीगर रिवोल्ट के बारे में मैंने आपको डाला है। 1795 में शुरुआत हुई थी इसकी, ठीक है, थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ लें, हर चीज़ मेरे लिए कराना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जो नवाब ऑफ आरकोट थे तमिलनाडु के अंदर, बेसिकली उन्होंने क्या किया था, कुछ जो टैक्स कलेक्शन वगैरह के जो अधिकार थे वो ब्रिटिशर्स को दे दिए थे। और जो पोलीगर्स थे, पोलीगर्स आर लाइक राजपूत्स, जिनको दीवानी राइट्स और लैंड राइट्स दिए गए थे। तो नवाब ऑफ आरकोट से गुस्सा हो गए थे भैया पोलीगर्स, एंड उन्होंने रिवोल्ट किया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एंड द नवाब ऑफ आरकोट। बाद में जो है इस रिबेलियन को क्रश कर दिया गया, एंड उसके बाद फिर जो है वो ट्रीटी वगैरह की गई, नवाब ऑफ आरकोट और कार्नेटिक जो ट्रीटी बोलते हैं इसको, ये सब हुआ। उसी तरह से हमारे पास एक अटिंगल रिवोल्ट भी होता है और विल्लोर म्यूटिनी भी होती है, ठीक है, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। अटिंगल जो रिवोल्ट है वो 1721 में हुआ था, और इंडिया में ये पहला रिवोल्ट माना जाता है जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हुआ था, फर्स्ट ओपन एंड ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट, ठीक है, जो हम लोग यूजली नहीं जानते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग नहीं जानते हैं उस समय जो हुई होंगी, छोटी छोटी बुक्स में मेंशन है कहीं, हमें पता नहीं है। जैसे अगर आप बोलें जैसे लाल बाल पाल, देवर एक्सट्रीमिस्ट, तो मॉडरेट्स के साथ इनका झगड़ा हो गया, 1907 में कांग्रेस के अंदर स्प्लिट हो गया था, सूरत स्प्लिट जिसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इनको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हुई, किसी को 4 साल की, किसी को 5 साल की, है ना। भगत सिंह जी को फांसी की सज़ा सुनाई गई, बिरसा मुंडा को जो है ब्रिटिशर्स ने मारा, कल मैंने दिखा बताया भी था आपको भगत सिंह जी के साथ उन्होंने कैसे मारा था एंड ऑल दैट, ठीक है, वो सब चीज़ें हुई। जैसे वन चिंतनम जी हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाई, कितने हज़ारों ऐसे फ्रीडम फाइटर्स रहे होंगे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, जिनको फांसी की सज़ा हुई या जो रिबेलियन के दौरान मारे गए, लेकिन सबके नाम हमें नहीं पता है। तो क्या उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है क्या? कंट्रीब्यूशन तो उनका भी है यार। जैसे कृष्ण गोपाल गोखले जी, बी आर अम्बेडकर जी, ये ब्रिटिश वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ब्रिटिश वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे गोपाल कृष्ण गोखले जी और बी आर अम्बेडकर जी। तो क्या हम लोग ये कहेंगे बी आर अम्बेडकर जी तो अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करते थे? वो तो पेट्रियट थे ही नहीं, वो तो फ्रीडम फाइटर थे ही नहीं, वो तो देशभक्त थे ही नहीं, क्योंकि वो तो वायसरॉय के खास मित्र हुआ करते थे। अरे हर किसी का अपना तरीका होता है काम करने का, आप अपने हिसाब से डिफाइन नहीं कर सकते हर चीज़ को, ठीक है, ये बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है, इन्होंने कितना ज़बरदस्त काम किया, एक इंडिया के बाहर जाके एक आर्मी पूरी खड़ी कर दी, इन्होंने जापान के साथ मिलकर काम किया। जापान, अब जापान भाई को दूध का दूल्हा तो था नहीं, जापान ने बहुत सारी एट्रोसिटीज़ की हैं। जापान के बारे में आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर इंडियंस हुआ करते थे, जब जापान के साथ लड़ाई हुई ब्रिटिश इंडिया की और उन्होंने बहुत सारे इंडियन जो प्रिजनर ऑफ वॉर हैं उनको पकड़ लिया गया, जापान वाले इंडिया के प्रिजनर ऑफ वॉर्स के ऊपर टारगेट प्रैक्टिस किया करते थे। वहाँ पे दो अलग अलग रोड हुआ करते थे, एक रोड ब्लैक कलर का हुआ करता था, एक वाइट कलर का हुआ करता था। ब्लैक वाले पे इंडियन अलाउड थे, वाइट वाले पे इंडियंस अलाउड नहीं थे। तो जापान वाले कोई दूध के दूल्हे नहीं थे। अब इस चक्कर में हम सुभाष चंद्र बोस जी को जज करने लगे कि अरे आपने तो जापान वालों का साथ दिया एंड ऑल दैट, तो वो भी ठीक नहीं है, है ना। तो उस सिचुएशन जो उस समय हुआ करती थी उसी हिसाब से हमें समझने की ज़रूरत है। भिखाजी कामा, श्याम जी कृष्ण वर्मा, चंपकर्मण पिल्लई जी, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिन्होंने हमारी फ्रीडम के लिए बहुत सारा काम किया। इनके अलग अलग मेथड थे, अलग अलग मोटिव थे, लेकिन सबका एंड मोटिव एक ही था कि हम लोग अपनी भारत माता को, अपनी जन्मभूमि को आज़ाद देखना चाहते हैं। तरीके अलग हो सकते हैं, है ना, सोच अलग हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली गोल सबका एक था। बट आज हम लोग क्या करते हैं, जज करने लग जाते हैं, गालियाँ देने लग जाते हैं, कभी गांधी जी को दे रहे हैं, सुभाष जी को दे रहे हैं, नेहरू जी को दे रहे हैं, वीर सावरकर जी को, उन्होंने खास नाम यहाँ पे लिया आर्टिकल में, वीर सावरकर जी को दे रहे हैं, जबकि वीर सावरकर जी के बारे में इंदिरा गांधी जी ने लिखा था 1980s में, जब वीर सावरकर जी का
जन्मदिन मनाया जा रहा था, वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक बनाया जा रहा था, तो उस समय गांधी जी ने लिखा था कि वीर सावरकर्स डेयरिंग डिफायंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस इन एनाल्स ऑफ द आवर फ्रीडम मूवमेंट। आई विश सक्सेस टू द प्लान्स टू सेलिब्रेट द बर्थ सेंचुरी ऑफ द रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया। रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया ये कहा गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा अबाउट वीर सावरकर। लेकिन आज देखिए क्या हो रहा है, वीर सावरकर जी को जो है सुबह शाम भर भर के गालियां दी जा रही हैं सोशल मीडिया पे और पॉलिटिकल रैलीज में। अब नेहरू जी को देख लीजिए, नेहरू जी जो है वो जेल में रहे, 6-7 साल से ज़्यादा उन्होंने जेल में स्पेंड किया है ओवरऑल। 1923 में नेहरू जी जो है नाभा जेल में बंद थे, उनके दो दोस्त भी थे साथ में जो है संतनाम जी और आचार्य, दोस्त तो नहीं बोलेंगे कलीग बोल सकते हैं, ठीक है, ये जेल में बंद थे। गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया क्योंकि नेहरू जी को जेल से छोड़ दिया गया उस समय क्योंकि नेहरू जी ने ये प्रोमिस किया था कि वो दोबारा से पंजाब के अंदर एंट्री नहीं करेंगे, इस शर्त पे उनको छोड़ दिया गया। नेहरू जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि इस चीज़ का उनको बहुत रिग्रेट है, उनको वो लेटर नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि देखने में ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने कलीग्स को छोड़ दिया एक तरह से। तो क्या इस चक्कर में हम लोग ये बोलेंगे नेहरू जी जो है वो ये पेट्रियट नहीं थे, वो फ्रीडम फाइटर नहीं थे? उनका तरीका वो था, अगर वो नाभा जेल से नहीं निकलते तो बहुत चीज़ें जो है वो ठीक नहीं हो पाती, वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने बहुत कुछ किया। तो ये जैसे गांधी जी की बात करें, गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे तो उन्होंने जो है बोयर जब वॉर हुआ था तो ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, बाद में 1915 में उनकी सेवाओं के लिए उनको जो है केसरे हिंद का अवार्ड भी दिया गया। हालांकि 1920 में गांधी जी ने इसको वापस कर दिया जब जलियांवाला मैसेकर हुआ, बट हुआ तो गांधी जी ने भी एक पॉइंट ऑफ टाइम ब्रिटिशर साथ तो दिया था ना, तो वो सब चीज़ें हैं। अब मॉडरेट्स की बात करें, 1919 में मोंटेक चेम्सफोर्ड जब रिफॉर्म हुआ था तो जो मॉडरेट्स थे उन्होंने पूरा सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स का डिस्पाइट ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। तो क्या उनको ये बोलेंगे कि अरे भाई तुम तो पेट्रियट ही नहीं हो? 1942 में सी गोपालाचार्य जी इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में साथ नहीं दिया था, इनका कहना था कि ये सब बकवास है, फालतू है, इसे कुछ होने वाला नहीं है। तो क्या हम बोलेंगे कि सी राजगोपालाचारी जी देशभक्त नहीं थे? अरे एज अ ह्यूमन बीइंग आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हो जो उस समय आपको ठीक लगती हैं, कभी आपने किसी के सजेशन के ऊपर कुछ कर दिया, आपने चार दोस्तों ने बोला आपने कर दिया क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर बन गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, आप जज नहीं कर सकते ना, आप दूध के दूल्हे थोड़ी ना हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इनका यह कहना है कि जो हमारा इतिहास है उसको सिलेक्टिव तरीके से देखने की बजाय ओवरऑल देखने की ज़रूरत है। बहुत सारे हमारे ब्रिटिश फ्रीडम फाइटर जिनकी जो है जिनकी जिनको फांसी हुई, जिनको गोली मार दी गई, जिन अपने अपने तरीके हैं सबके लड़ने के, है ना, कोई पेन से लड़ता है, कोई गन से लड़ता है, कोई एक्टिव प्रोटेस्ट करता है, कोई पैसिव प्रोटेस्ट करता है। तो एज अ ह्यूमन बीइंग जो है सभी के अंदर जो है कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं, राइट, और कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग उसमें क्या देखना चाहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने यही कहा है कि भाई थोड़ा सा आज की जो जनरेशन है, ठीक है, एक डायरेक्ट जजमेंट नहीं करनी चाहिए किसी चीज़ की भी, हिस्ट्री की भी, हिस्ट्री ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है, देयर आर लॉट ऑफ अदर शेड्स ऑल्सो, ठीक है, राइट और रॉन्ग कुछ नहीं होता, बहुत सारा बीच में भी होता है जहाँ पे बहुत सारी जो है अपनी समझदारी की रैशनलिटी की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो ये जो है इन्होंने यहाँ पे कहा है, मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगा, थोड़ा इमोशनल है बट यस बहुत अच्छा है। चलिए आज यहीं पे ख़त्म करते हैं बच्चों, बहुत सारे एडिशनल आर्टिकल भी हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।